स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर नगर पंचायत बबेरू की तरफ से सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। यह स्वतंत्रता दिवस विशेष पर्व है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा लहराएगा, इसलिए इस विशेष पर्व पर विशेष बधाई। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर विकासखंड बबेरू और जनपद बांदा के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं व छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज रक्षाबंधन का भी पुनीत पर्व है, जो स्वतंत्रता दिवस के साथ ही मनाया जा रहा है। इसके लिए भी एक बार पुनः सभी को और प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस 15 अगस्त और रक्षाबंधन सब दोनों त्योहारों और आगे आने वाले जन्माष्टमी पर्व सभी क्षेत्रवासी, जनपदवासी और लौकिक शिक्षा सदन से संचालित सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं और अध्यापकों और मेरी बबेरू मंडल के बबेरू क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत से शुभकामनाएं देता हूँ कि 15 अगस्त और ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहुत ही दोनों पर्व अच्छे, भाई बहन के प्यार, एक देश और स्वतंत्रता, और दोनों एक दिन पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए सभी अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ और संकल्प लें कि हम अखंड भारत के लिए एक भारत के आदरणीय मोदी साथ खड़े रहेंगे। बबेरूपुर वाले क्षेत्र के गांव में 41 वर्षीय व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। परिजनों द्वारा शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया गया, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले ही मृतक की पत्नी ने संदिग्ध मौत बताकर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बंसीपुरवा का है, जहां पर जितेंद्र यादव उर्फ कल्लू पुत्र जागेश्वर यादव उम्र 48 वर्ष की अचानक सुबह मौत हो गई। परिवार के लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए, लेकिन जैसे ही वे अंतिम संस्कार करने के लिए गए, उसी वक्त मृतक जितेंद्र उर्फ कल्लू की पत्नी मिथिलेश वहां आ गई और उसने पुलिस को फोन कर बुला लिया। पत्नी का आरोप था कि मुझे संदेह है कि इनके साथ कुछ अप्रिय घटना हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को चिता से उठाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र उर्फ कल्लू सुबह नहाने के बाद पूजा करने के लिए हैंडपंप से पानी लेने गया था, उसी समय उसको अचानक चक्कर आ गया और वह वहीं गिर पड़ा, जिसके बाद तुरंत एम्बुलेंस को सूचित किया गया। समय पर पहुंची एम्बुलेंस कर्मियों ने जब युवक को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पत्नी लगभग 20 वर्ष से उसके पास नहीं रहती है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर वह तुरंत दौड़ी आई और साथ ही पुलिस को फोन करके बुला लिया, जिससे अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। मृतक जितेंद्र उर्फ कल्लू की पत्नी मिथिलेश ने बताया कि पति की मौत की सूचना उसे नहीं दी गई, गांव वालों की सूचना पर वह आई है। है आपका महेश जी? हाँ, क्या घटना हुई है यहाँ? घटना भाई साहब, हमारा जो कल्लू हमारा भतीज है, या टट्टी कुल्ला कह के नहा गए, पूजा पाठ कर के, या जात तैकन के पैसा दिए, तब निकल के आवाज है तो सुबेरे पहाड़ एक चक्कर आवे गिर पा रहा, तो और लड़का रहा हम सब जो दबरे हैं, जब उठावा तो देखे मुँह से थूकावा, अब बस या खत्म हो गया, हिचकी आए तीन जा। सुरेश कुमार, क्या घटना हुई है यहाँ पर? एक घटना हुई है कि जो ये सवेरे कल्लू जितेंद्र नाम है इसका, तो टट्टी कुल्ला करने गया, स्नान किया, पूजा पाठ भी किया, फिर इसके बाद जा रहा था किसी का लेन देन करने, फिर इसके बाद एम्बुलेंस मंगाई गई, मृत घोषित हुई। यहाँ देखा लोग, उसके बाद यहाँ पर शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, अंतिम संस्कार करने किया जा रहा था, सारा सोच गया, फिर इसके बाद उसकी घरवाली आ गई। अच्छा, फिर मिथिलेश, फिर उसने आरोप लगाया। बबेरू से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।